आज मेरे द्वारा LLM फोर्थ सेमेस्टर के लिए वीडियो लेक्चर तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप इससे काफ़ी हद तक लाभान्वित होंगे। देखिए, आज मैंने पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर इस पर एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया है। दूसरी चीज यहां जो दे रखी है वो है द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। किनके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम? व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू ऑफेंडर्स? ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर से तात्पर्य अभियोगों की या अभियोगियों की उपचारात्मक व्यवस्था, उनका उपचार। किन लोगों का उपचार? जो लोग, अर्थात समाज में पल रहे वे लोग जो अपराध की ओर अग्रसित हो रहे हैं, अपराध की ओर जिनकी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, उन लोगों का उपचार कैसे किया जाए, उन लोगों को अपराध करने से कैसे रोका जाए, ठीक वह व्यवस्था इसमें दंड शास्त्र में की गई है और उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स, अभियोगियों की उपचार व्यवस्था, अभियोगियों का उपचार। ठीक, ये तो ही बात कंसेप्ट की। जो आपका सब्जेक्ट है LLM फोर्थ सेमेस्टर में, जो विद्यार्थी LLM फोर्थ सेमेस्टर क्रिमिनल ग्रुप से कर रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट है, पेनोलॉजी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। अब बात करते हैं व्हाट इज द पनिशमेंट, किसे कहते हैं पनिशमेंट, दंड किसे कहा जाता है, क्या होता है दंड, क्यों देते हैं दंड, क्या आवश्यक है दंड देना? यस, बिल्कुल आवश्यक है दंड देना। समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों का संग्रह किया गया है और उन नियमों के तहत समाज स्वव्यवस्थित रूप से चल सकता है। अगर उन नियमों का पालन नहीं करा जाएगा तो समाज स्वव्यवस्थित रूप से नहीं चलेगा। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति या ज्यादातर लोग स्वार्थी भावना के वशीभूत होकर सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करते हैं, अदरवाइज अन्य किसी और से लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वो अपने हितों को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो किसी दूसरे के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे किसी का जीवन, किसी की संपत्ति या कोई किसी भी तरह से संकट में पड़ सकता है, तो उन परिस्थितियों से, उन बातों से जुड़े हुए कानून में अगर यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे किसी की जान, माल या व्यवस्था खतरे में पड़े, तो उसे दंड दिया जाएगा। यहाँ यह व्यवस्था की गई है, अर्थात किसी व्यक्ति को बुरे कार्य को करने से, विधि विरुद्ध कार्य को करने से रोकने के लिए जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को दंड कहते हैं।
इसी दंड को भिन्न भिन्न लोगों ने, भिन्न भिन्न एक्सपर्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, जो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है, डिफाइन द पनिशमेंट, पनिशमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, दंड की परिभाषा क्या होगी, क्या है दंड की परिभाषा, किसे कहते हैं दंड। नंबर एक, एनरिक फेरी। एनरिक फेरी ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, कम से कम शब्दों में पनिशमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि पनिशमेंट पनिशमेंट के बारे में इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों को न मानने पर जो व्यवस्था की गई है उसे पनिशमेंट कहते हैं, और पनिशमेंट को पूरे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है, पनिशमेंट इज डिटरेंट, अर्थात दंड ही प्रतिरोध है किसी व्यक्ति को गलत कार्य को करने से, आपराधिक प्रवृत्ति को और बढ़ने से रोकने के लिए पनिशमेंट देना अत्यंत आवश्यक है, और पनिशमेंट इज डिटरेंट। इन्होंने कहा है कि दंड ही प्रतिरोध है, अर्थात दंड के द्वारा ही उसे रोका जा सकता है। इतनी सी बात में इन्होंने अपनी समग्र परिभाषा को व्यक्त कर दिया। सेठना, सेठना ने क्या कहा है, सेठना ने कहा है कि दंड से तात्पर्य एक सामाजिक निंदा से है, अर्थात समाज में आपकी निंदा से, एक ऐसी व्यवस्था जो दंड के रूप में बनाई गई है जिससे समाज में आपकी निंदा हो और जिससे लोगों को ये पता चले कि आपने ऐसा बुरा काम किया था इसलिए आपको ये दंड मिला है। ये जरूरी नहीं है कि दंड कष्टप्रद हो, उससे कोई कष्ट हो या तकलीफ दे हो, दंड सादा और सिंपल भी हो सकता है। केवल बात इतनी सी है कि आपको समाज के सामने शर्मिंदा करना ही दंड है, जिससे आप शर्मिंदा हो समाज के सामने और आप पुनः ऐसा कार्य करने से रुके। टेफ्ट, टेफ्ट ने भी दंड की परिभाषा को अपने शब्दों में अलग तरीके से व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि दंड से तात्पर्य समाज द्वारा समाज के लिए उन लोगों को शर्मिंदा करना, उन लोगों को इस बात का एहसास कराना कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए, पनिशमेंट कहलाता है। इसी तरह वेस्टर्न मार्क ने भी भिन्न भिन्न तरीके से अपनी परिभाषा को दंड के प्रति बताया है और ये कोशिश की है कि पनिशमेंट क्या होता है। इनके अलावा अन्य भी कई एक्सपर्ट हैं जिनके द्वारा डेफिनेशन दी गई है कि पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट कैसे दिया जाना चाहिए, कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों, केवल मैं अपने वीडियो लेक्चर में उतना ही बता रहा हूँ जितना कि अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज आप डीपली स्टडी करके समझ सकते हैं कि और अन्य कौन से एक्सपर्ट हैं जिनके द्वारा भिन्न भिन्न डेफिनेशन दी गई है। सेकेंड, व्हाट इज द पनिशमेंट कंप्लीट हुआ, डेफिनेशन, इट्स डिफाइन द इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दंड के उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पनिशमेंट के ऑब्जेक्ट अगर हम समझना चाहते हैं तो पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट सबसे पहला मेरे हिसाब से यह है कि अपराधी को अपराध करने से रोकना। अगर हम दंड देंगे तो उसमें डर उत्पन्न होगा और उस डर के कारण एक अपराधी अपराध करने से रुकेगा, एक ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट यह है पनिशमेंट का कि जहां हम अपराधी को अपराध करने से रोक रहे हैं, वहीं जब एक व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के बदले में दंड मिलता है तो दूसरे लोग अपराध नहीं करेंगे, यानी दूसरे लोगों को भी अपराध करने पर दंड का व्यय होने के कारण रोका जा सकता है। तीसरा ऑब्जेक्ट, जब एक व्यक्ति अपराध नहीं करेगा और उसे देखकर दूसरे लोग भी अपराध की ओर अग्रसर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है समाज स्वव्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। अर्थात दंड का अगर हम देखा जाए तो मेन ऑब्जेक्ट है सोसाइटी को रन कराना, इस तरीके से रन कराना कि
विदाउट इरेलुवेर, यानी अनियमितता का पूरे तरीके से अंत करना। जैसा कि शायद आपने एलएलबी में पढ़ा होगा, 101% पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू लॉ। लॉ मीन्स ए कॉम्बिनेशन सम रूल्स ऑफ रेगुलेट टू सोसाइटी। कि विधि किसे कहते हैं, एलएलबी में पढ़ा होगा आपने, विधि से तात्पर्य है नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसके द्वारा समाज को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। बात वहीं आकर आज खड़ी हो गई है कि पनिशमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो इसीलिए रखा गया है कि समाज जो अव्यवस्थित हो रहा है, समाज जो अनियमित हो रहा है, समाज में जो रुकावटें आ रही हैं, समाज में जो डर उत्पन्न हो रहा है, उस डर को खत्म करना, अव्यवस्था को खत्म करना, रुकावट को रोकने के लिए, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ही दंड की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा LLM फोर्थ सेमेस्टर में पेनोलॉजी सब्जेक्ट पर और भी वीडियो लेक्चर दिए जाते रहेंगे और वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर से काफ़ी हद तक लाभ होगा। धन्यवाद।